नमस्कार, आप देख रहे हो घातक न्यूज़, ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक न्यूज़ नेटवर्क। और आज मैं आपको जो बच्चे को दिखाऊंगा, एक यानी कि एक बच्चे के साथ आपको परिचित करा दूंगा, वो कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं, वो एक ऐसा बच्चा है जो कि इतना इंटेलिजेंट है कि उसको भारत रत्न प्राइज से नवाजा गया। अबे साले, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है। फिलहाल वो इस घर में बंद है, मतलब पढ़ रहे हैं। तो चलिए जाते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं। और वो जो बच्चे हैं अभी यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो चलिए जाते हैं, उस बच्चे से मिलाइए, आपको मिलाता हूँ। और उस बच्चे को बच्चे समझने की भूल मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो चलिए मेरे साथ आइए। सो गाइस, आप देख सकते हो ये बच्चा जो है कितना होनहार बच्चा है, अभी भी पढ़ रहे हैं। और अभी समय है करीब 2:65 हो रहा है, 2:65 हो रहा है रात के, ठीक है। और अभी ये बच्चा पढ़ रहे हैं, तो देखिए कितना होनहार बच्चे। तो चलिए यहाँ पर बैठते हैं और इस बच्चे से कुछ सवाल जवाब पढ़ते हैं, देखते ये जो इंटेलिजेंट बच्चा है हमारा सवाल का जवाब कैसे देता है। तो बेटा, आपका नाम क्या है? नवीन। तो देखिए, इसका नाम है नवीन और ये बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि कितना इंटेलिजेंट है, और ये जो बच्चा है इसको भारत रत्न से नवाजा गया है। तो आप अभी किसकी तैयारी कर रहे हो? यूपीएससी। देखिए कितनी शानदार बच्चे अभी यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। तो बेटा नवीन, आपसे कुछ सवाल पूछा जाए, मतलब आप जो यूपीएससी क्वेश्चन का यूपीएससी का जो तैयारी कर रहे हो, कुछ सवाल पूछे आपसे। ठीक है, तो देखिए ये सवाल पूछने की अनुमति दे रहा है। तो चलिए मैं आपसे, मेरा पहला सवाल ये है कि हमारा देश का नाम तो भारत है ना, तो भारत का प्रधानमंत्री कौन है, मतलब भारत का प्रधानमंत्री का नाम क्या है? भारत का प्रधानमंत्री बाबा रामदेव। जोर से बताइए थोड़ा सा। बाबा रामदेव। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। देखिए भारत के प्रधानमंत्री का नाम है बाबा रामदेव, और ये बच्चा अभी यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। तो पहला सवाल का जवाब तो नवीन ने दे दिया है, बहुत ही अच्छे दे दिया है। अभी दूसरे, इनसे दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि मैथ यानी कि गणित से पूछते हैं। तो बेटा गणित से क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो मेरा आपसे गणित का क्वेश्चन ये है कि 2 और 2 कितने होते हैं, जरा सोच के बताइए 2 और 2 कितने होते हैं? 2 और 2 कितने होते हैं? सिर्फ 2 और 2। 2 और 2 कितने होते हैं? 22। ओह माय गॉड, वाओ, 22 होते हैं 2 और 2। यस, 22। 2 और 2 22 होते हैं। गुड बेटा, आप यूपीएससी में इस बार टॉप आओगे। तो हमने तो नवीन से 2 क्वेश्चन पूछ लिया है, और 2 क्वेश्चन का जवाब इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से दे दिया है। तो चलिए और 2 खतरनाक क्वेश्चन इनसे पूछते हैं, और देखते हैं ये कितना इंटेलिजेंट है और कितनी इंटेलिजेंट तरीके से ये दोनों क्वेश्चन का जवाब देते हैं। तो नवीन बेटा, आपसे मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि हम जो इंसान है ना, इंसान के जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े इंसान के कहाँ पर रहते हैं, मतलब इंसान के फेफड़े कहाँ पर रहते हैं? इंसान के फेफड़े सिगरेट के पैकेट पे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इंसान के फेफड़े सिगरेट के पैकेट पे रहते हैं। जी हाँ बेटा, आप तो इस बार यूपीएससी में पूरा ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड में आप टॉप कर जाओगे, भारत नहीं ब्रह्मांड में टॉप कर जाओगे। तो नवीन से मेरा लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश से है, और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप अगर कवर नहीं कर पाओगे तो ये जो यूपीएससी एग्जाम है वो आप कभी नहीं निकाल पाओगे। इंग्लिश आपको इंग्लिश में आपको बहुत ही स्ट्रांग यानी कि मजबूत होना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये जो नवीन बेटा है वो इंग्लिश में बहुत ही मजबूत है। तो नवीन से मेरा आखिरी क्वेश्चन इंग्लिश है। तो नवीन बेटा, मैं आपसे एक चीज़ बताऊँगा, मतलब हिंदी में आपको एक चीज़ बताऊँगा, उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, ठीक है? तो आप मुझे ये बताओ, मैं घर जा रहा हूँ, इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताओ। मैं घर जा रहा हूँ ना। हाँ, मैं घर जा रहा हूँ। आई लव यू। आई लव यू, लव यू टू बेटा, लव यू टू बेटा। आप तो इस बार यूपीएससी में पूरा ब्रह्मांड में टॉप कर जाओगे, और ब्रह्मांड के जो एलियन है जो कि ब्लैक होल में रहते हैं उनसे मैं आपको मुलाकात करा दूंगा, ठीक है? गाइस, आपने देखा कितना टैलेंटेड बच्चा वो है, और ऐसी बच्चा हमारे भारत में तो लाखों लाखों में नहीं, करोड़ों में एक है। ऐसी बच्चे तो घर घर में पैदा होनी चाहिए जो कि यूपीएससी का तैयारी कर रहा है। इसका सवाल जवाब आपको कैसा लगा कमेंट में लिखिएगा, और इसके बाद जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो और भी ख़तरनाक न्यूज़ आने वाला है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और देखते रहिएगा घातक न्यूज़, ब्रह्मांड का सबसे ख़तरनाक न्यूज़ नेटवर्क।